हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट वन करने वाले। जी हाँ दोस्तों, इस सेट में खासियत क्या है कि हर सेट में 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग कलम कॉपी लेके बैठिएगा और एनालाइज कीजिएगा अपने आप में कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आप 35+ क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो फिर तैयारी बढ़िया से कीजिए, नहीं तो आप बाहर रेंज से। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक सेट करेंगे 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी। सब इस देखिए, इस क्लास का सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यही है कि एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है क्लास 6 से 10। जितना भी क्वेश्चन क्लास 6 से 10 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सारा का निचोड़ इसमें प्रैक्टिस में मिलेगा है। मतलब एक ही सेट में नहीं है, मतलब उसी का बुक का है। मतलब आज सेट वन करेंगे, कल सेट टू का, डेली सेट करेंगे, 10 सेट करेंगे लगभग, तो काफ़ी क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन में कलेक्शन हो जाएगा बायोलॉजी का सिर्फ। उस तरह मतलब फिजिक्स का करेंगे, उससे बायोलॉजी का करेंगे, केमिस्ट्री का करेंगे, फिर उससे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारा कंप्लीट करेंगे करके। बस आपको करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए ताकि जैसे भी डाउट नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए हम लोग का तरीका क्या रहेगा इसको करने का कि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 सेकंड का टाइम देंगे, फिर डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करना है, आप लोग प्रैक्टिस हो रहा है। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। जीएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी एग्जाम जो अभी आने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये 6 से 10 दोनों में सिलेबस है ना। हालांकि जीके जीएस और साइंस का पोर्सन सभी एग्जाम के सभी एक ही होता है, खास करके 6 से 10 जो एग्जाम में होता है एनसीईआरटी वाला। ठीक है, वही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आते हैं। ऑल गवर्नमेंट जॉब वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग करें स्टार्ट करते हैं अब। चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बायोलॉजी सेट वन हम लोग शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर वन। द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आई, कौन सा एनिमल बोलते हैं उसको। एक सेकंड का टाइम दे रहे हैं, चलो इसका आंसर 4 बैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। द विटामिन विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन सा विटामिन होगा। विटामिन के, 4 इज द राइट आंसर। चलिए 3। एट वेरी हाई एटीट्यूड द आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल, बताइए। इंक्रीजेज इन नंबर, सी 3 इज द राइट आंसर। चलिए, व्हाट आर द ब्लड कॉर्पसल्स दैट हेल्प्स टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, तो कौन सा वो कराता है। WBC, सबको पता ही है, ये हम लोग डी से बचाता है। WBC, इसको क्या नाम है, उसको बोलते हैं लीकोसाइट, क्या बोलते हैं, लीकोसाइट बोलते हैं इसको। 1st इज द राइट आंसर। चलिए, विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड द बॉडी थर्मोस्टेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस, क्या होगा, हाइपोथैलेमस, 4 इज द राइट आंसर। चलिए छठा नंबर बताइए, द पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट करता है क्या, एंटीजन, एंटीजन सीक्रेट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 क्वेश्चन हो गया। चलिए सातवां नंबर आइए, आवर बोन्स टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ, किससे बना होता है, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। आवर बोन्स और टीथ किससे बना होता है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, एंगोरा उल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिए इसको रैबिट होगा आंसर किया हुआ है, एंगोरा उल जो होता है वो रैबिट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट नंबर, विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर, बताइए 9 का। चलिए कौन सा वुड हो जाएगा, वेट वुड हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो क्या होगा, एम्पीसिलियन, क्या होगा, एम्पीसिलियन इज द राइट आंसर। 10 का 3 हो जाएगा, एम्पीसिलियन। चलिए 11 नंबर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस, वायरस से कौन सा डिजीज होता है, तो पोलीमाइलेटिस ये वायरस से होता है, इसका मतलब क्या, पोलियो का ही बोलते हैं, इसका नाम है पूरा। ठीक है, पोलियो, तो पोलियो पता ही है वायरस से होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1, B1 किसको बोलते हैं, B1 बोलते हैं थायमिन को बोलते हैं B1। ठीक है, B2 किसको बोलते हैं, राइबोफ्लेविन को B2 बोलते हैं, रेटिनोल विटामिन ए को बोलते हैं। ठीक है, और B3 किसको बोलते हैं,
प्लेरा को, प्लेगरा, ये आगे क्वेश्चन उसमें बताएंगे ठीक है। अभी याद रखिए B1 और B2 याद रखिए, B1 को थायमिन बोलते हैं जो इसका आंसर यही होगा, और राइबोफ्लेविन B2 को बोलते हैं। चलिए 13 नंबर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज टू एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, बताइए कौन सा होगा। एड्रेनलिन कौन सा होता है, 13 के एड्रेनलिन हो जाएगा ठीक है। इसको क्या नाम से बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट के नाम से जाना जाता है इसको ठीक है, आ जाएगा। विच इज ऑल्सो नोन एज फाइट एंड फ्लाइट, तो एड्रेनलिन ग्लैंड को बोलते हैं ठीक है। क्लोव द मोस्टली यूज्ड स्पाइस इन ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, 4 हो जाएगा 14 का ठीक है। चलिए 15 का बताइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन, तो कौन सा होगा, तो हो जाएगा कीटोन्स बॉडीज, 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है, चलिए कौन करता है, लिम्फोसाइट्स, कौन करता है, लिम्फोसाइट्स, 4 इज द राइट आंसर। चलिए 17 आइए, 17 का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बॉडी बिल्डर, प्रोटीन को बोलते हैं, आसान क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोस्टिक ऑफ कैंसर, चलिए बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैंसर का कैसे बोलते हैं, बताइए कौन सा होगा, 3 बायोस्पी, कैंसर क्या है, बायोस्पी क्या हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ 17 नंबर हो गया ना, 18 हो गया, 19 बताइए, क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, 3 इज द राइट आंसर। टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट, टॉक्सिकोलॉजी किससे रिलेटेड है, वायरस बैक्टीरिया डिजीज पॉइजन, तब पॉइजन से रिलेटेड है ठीक है, 4 हो जाएगा 20 का। चलिए 21 का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एड्रेनलिन, फाइट और फ्लाइट बोलते हैं जिसको। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए स्टोर्ड इन, कहाँ होता है विटामिन ए स्टोर, कहाँ पे होता है दोस्तों बताइए। चलिए कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ, काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ किसका होता है बताइए, तो काउ मिल्क इसमें था B1 में होता है, B1 B2 दोनों में होता है, लेकिन B1 में ज़्यादा होता है ठीक है, विटामिन बी में काउ मिल्क ज़्यादा होता है, तो B1 में ज़्यादा, तो इसका क्या नाम है, थायमिन बोलते हैं इसको ठीक है, थायमिन इसको बोलते हैं B1 को। 24 नंबर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस द ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, जिसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इसको। 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किन डिजीज, बताइए इसमें से स्किन डिजीज कौन सा है बताइए, 25 का आराम से कॉपी कलम लेकर बैठिए, तो स्किन डिजीज कौन सा, पेलेगेरा, ये कौन सा है, पेलेगेरा, कौन सा विटामिन, विटामिन बी है, विटामिन बी में कौन सा पेलेगेरा, तो B3 है ठीक है, B3 पेलेगेरा। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड किस पे होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुक्रोज, ग्लूकोज, एग्जाम में आप गलती कर जाते हैं, फंस जाते हैं सब क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन इतना छोड़ने का मन करता है और अटैम्प्ट करता है गलत हो जाता है ठीक है। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड किसमें, ग्लूकोज, किसमें, ग्लूकोज, 26 का 2 हो जाएगा ठीक है। चलिए 26 का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। 27 नंबर आइए, 27-28 एक साथ चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन मैन, कौन सा होता है, मम्स, वायरल डिजीज मैन मम्स होता है। डैश इज कंसंट्रेटेड विद द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से किससे रिलेटेड है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन होता है ठीक है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन, 4 इज द राइट आंसर। 4% हैविंग हाइपरमेट्रोपिया, नियर पॉइंट कितना होता है, 25 पॉइंट से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किस कौन बनाता है बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बताइए तो ऑयस्टर सेल्स, क्या होता है, ऑयस्टर सेस, सीस, ऑयस्टर सीस ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा, 30 का यही हो जाएगा 3।
चलिए 31 आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एस्ट्रॉयड, कौन सा हार्मोन का एस्ट्रॉयड बोला जाता है बताइए। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एस्ट्रॉयड, तब एस्ट्रोजन को एस्ट्रॉयड बोला जाता है ठीक है। इन ये फूड चेन, थोड़ा बड़ा कर ले जैसे करते, चलिए। इन ये फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज बाई प्लांट इज ओनली, कितना होता है 0.1%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होता है 0.1%, कितना 0.1%। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इन अर्थ, ऑस्ट्रिच, बताइए कौन सा होगा 33 का, ऑस्ट्रिच हो जाएगा ठीक है, सेकेंड इधर राइट आंसर। चलिए ब्लड प्रेशर को मेजर किसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेकेंड हो जाएगा। चलिए ग्रोथ ऑफ बॉडी इन द यूटेरस इज फाउंड यूजिंग अल्ट्रासाउंड, बिसाइड ईयर ओसिकल्स द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर इन ह्यूमन कंटेन, कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर क्या कंटेन करता है बताइए 36 का, क्या करता है एयर करता है ठीक है। चलिए 37 बताइए, द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन द ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 90% से ऊपर होता है ठीक, 92 फॉर द राइट आंसर। सोडियम पंप क्या होता है, ऑपरेट्स, सोडियम पंप ऑपरेट्स नर्व इम्पल्स, क्या ऑपरेट करता है नर्व इम्पल्स, चलिए नर्व इम्पल्स इज द राइट आंसर। 39 नंबर आइए, विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बोन डिजीज सिस्टोमोसियसिस, सिस्टोसोमोसिस ठीक है, तो बताइए कौन टाइप का, तो पैरासिटिक, क्या हो जाएगा पैरासिटिक। विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बोन डिजीज सिस्टोसोमिस पैरासिटिक्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्किन को कौन रेस्पिरेट करता है फ्रॉग, मेढक, 40 नंबर का ठीक है, 40 का दो हो जाएगा। इन कोरिनेंडर द यूजफुल पार्ट्स क्या होता है बताइए, यूजफुल पार्ट्स क्या होता है कोरिनेंडर में बताइए, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर 3 हो जाएगा, लिप्स एंड ड्राइड फ्रूट ठीक है। विच इज कॉल्ड द हर्बल इंडियन, हर्बल इंडियन डॉक्टर किसको बोलते हैं, आमला को बोलते हैं, आमला यहाँ पे होगा AMLA ठीक है, आमला को बोलते हैं आप। तैतालीस नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड एस्टीम, मॉडिफाइड एस्टीम पोटैटो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर का फंक्शन कौन नहीं है चार ऑप्शन में से बताइए, तो चार ऑप्शन में से लीवर का फंक्शन कौन, रिप्रोडक्शन लीवर का फंक्शन नहीं है। इफ़ द रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ पर्सन डिक्रीज, रेडियस कम हो जाएगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर ठीक है, रेडियस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल्स का कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसका क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ पर्सन डिक्रीज, इसका मतलब बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, 45 का ये हो जाएगा। चलिए बी कीपिंग किसे बोला जाता है बताइए, एपिकल्चर या सेरिकल्चर, कन्फ्यूज मत होइएगा, बी कीपिंग एपिकल्चर को बोलते हैं। इन ह्यूमन बॉडी कॉफर्स ग्लैंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, कॉफर्स ग्लैंड बताइए, तो क्या होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, क्या होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा। चलिए 48 नंबर बताइए, नेम द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिप्स इज कॉल्ड एस्टोमेटा, वट इज द फुल फॉर्म DNA, डी ऑक्सीराबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सीराबो न्यूक्लिक एसिड फॉर द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन नहीं है, पेनिसिलिन एमिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन एस्पिरिन, तो एंटीबायोटिक कौन है, एस्पिरिन एंटीबायोटिक नहीं है, कौन है एस्पिरिन एंटीबायोटिक नहीं है, तो कमेंट करके बताइएगा आपको 50 में कितना आया, 30+ है तो ठीक है, नहीं तो फिर तैयारी बढ़िया से कीजिए ठीक है। चलिए दोस्तों तो हमारे चैनल से जुड़िए, आज सेट 1 है, ऐसे सेट हम लोग बायोलॉजी कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री फिर सारा करेंगे, पूरा कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन का, बस कल आपको जुड़ना है और कुछ नहीं करना ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।